हरे कृष्णा। इस साल हम प्रभुपाद की 125वीं जन्म सालगिरह मना रहे हैं, तो मैं कुछ कहना चाहूँगा प्रभुपाद जी के बारे में। प्रभुपाद जी भारत से जो भगवद गीता का ज्ञान है वो पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। साथ ही साथ बहुत सारे उस समय सन्यासी, या फिर उस समय ऐसा टाइम चल रहा था कि विदेशों में बहुत सारे सन्यासी जा रहे थे प्रचार करने के लिए। कोई योग का प्रचार कर रहा था, कोई कोई भारत का सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहा था। पर प्रभुपाद जो हैं बहुत ही सक्सेसफुल हुए, क्योंकि अभी भी अभी जब हम देखते हैं इस्कॉन के 600 से ज़्यादा मंदिर हैं, सेंटर्स हैं, और करीब 200-250 से ज़्यादा मंदिर हैं, और कम से कम 1,000,000 से ज़्यादा भक्त हैं। तो ये कारण क्या रहा उसका, वो मैं बताना चाहूँगा। प्रभुपाद जी, जैसे कि प्रभुपाद जी का आचार और प्रचार दोनों सेम था, कि जैसे जो करते थे, जो बोलते थे वो करते थे। जैसे अगर प्रभुपाद बोलते थे कि सुबह उठना है तो वो खुद भी उठते थे। साथ ही साथ जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया तो उनने सारी मिनिमल सर्विस करी। मतलब प्रभुपाद जी का स्तर इतना ऊपर था, फिर भी वो जो नए भक्त थे उनके बर्तन तक धोते थे श्रील प्रभुपाद। तो ये है एक लीडरशिप या फिर लीडर की क्वालिटी होती है कि वो पहले खुद करता है फिर सिखाता है। तो इसी कारण प्रभुपाद जी का जो मिशन है वो अभी भी आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही जाए।